कुंभ मेला शुरू हो गया है और मेले में साधु संतों का आगमन जारी है। पेशवाइयों का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन सरकार की ओर से जारी एसओपी पर साधु संत सवाल उठा रहे हैं। मेले की व्यवस्थाओं से संत समाज थोड़ा नाराज नजर आ रहे हैं। एसओपी व्यवस्थाओं को लेकर संतों का कहना है कि अगर कोई साधु संत अपनी कोरोना रिपोर्ट लेकर नहीं आता है तो प्रशासन को व्यवस्था करानी चाहिए। कुंभ मेले की शुरुआत हो गई है, संतों ने सरकार की गाइडलाइंस पर आपत्ति जताई है। उनका ये कहना है कि अगर कोई रिपोर्ट नहीं लेकर आता कोरोना की, तो उसको लेकर भी सरकार को, प्रशासन को व्यवस्था करानी चाहिए। हो गया है, यानी कि 1 मार्च से कुंभ मेला जो निर्धारित तिथि थी शुरू हो चुका है। ऐसे में साधु संतों की जमात भी मेले में पहुंचनी शुरू हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी को लेकर के संत लोग आवाज उठा रहे हैं, यानी सवाल उठा रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था है, क्या सवाल है, बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रयागराज से आए हैं, जो बड़ा उदासीन अखाड़ा है उसके सचिव हैं व्यास मुनि जी। व्यास जी, जिस तरह से अब सवाल उठ रहे हैं कि एसओपी को लेकर के जो बाहर से संत लोग आएंगे, वो कहीं ना कहीं 72 घंटे पहले का कोविड तो आपका मतलब आपको दिखाना होगा कि भाई हमारा, हम कोविड में नहीं है, इस तरह का एक मतलब प्रमाण पत्र भी वहाँ देना होगा, इसलिए क्या कहेंगे आप? देखिए, जो राज्य सरकार ने जो ये आदेश जो मतलब पत्र जारी किया है, इसका तो वैसे हम स्वागत करते हैं। कोविड का जो 72 घंटे का जो उन्होंने किया है, हम तो यही कहते हैं सभी संतों से भी और उनके साथ में जो भी अनुयायी आएंगे, उनके जो भगत सेवक हैं, उनसे भी यही हमारा अनुरोध है कि सब अपना अपना कोविड की जांच करा करके आएँ। नहीं, इसे लेकर कुछ संत लोग आवाज़ उठा रहे हैं, मतलब सवाल कर रहे हैं कि साहब ये गलत है, इस तरह कैसे इतनी बड़ी तादाद में भीड़ आएगी, वो कैसे कर पाएगी, 72 घंटे का कैसे कहाँ तक जाए जाएगी? देखिए, संत कहाँ इसका विरोध कर रहे हैं। वैसे तो अभी हमारा कहना तो यही है कि देखिए, जांच तो होनी चाहिए, रिपोर्ट तो अपने साथ में लेकर आनी चाहिए, और यदि कोई रिपोर्ट लेकर नहीं आया तो उसको भी यहाँ करानी चाहिए। व्यवस्थाओं को लेकर के जो व्यवस्था अभी तक तैयार हो गई है, उनसे लेकर संतुष्ट हैं? नहीं, हम सरकार की जो व्यवस्था है उनसे तो हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन हम हमारे जितने भी 13 अखाड़े हैं सब अपनी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं और हम करेंगे। अच्छा, अपनी व्यवस्था खुद कर रहे हैं 13 अखाड़े, इनका कहना। हमारे साथ में प्रेमदास कोठारी जी जो हैं और खासतौर पर मैतोली के मतलब जिम्मेदार हैं, यानी उनसे बात करेंगे, क्योंकि आज उन्होंने एक मीटिंग भी ली है। जिस तरह से महन जी आपने कहा है कि तमाम व्यवस्थाएँ होनी जरूरी है, और ये भी बात उठ रही है कि कुंभ को लेकर के जिस तरह की छावनियाँ बननी थी, जिस तरह का भव्य कुंभ प्रयागराज में हुआ था, उस तरह एक तो अवधि कम हो गई है, अभी भी सवाल उठा रहे हैं, आप क्या कहेंगे इन व्यवस्थाओं को लेकर? देखो, दो बातें हैं भाई। वैसे तो हम सरकार के साथ हैं, जैसे सरकार दिशा निर्देश देंगे हम सरकार के साथ, सरकार के हम वक्तव्यों का विरोध नहीं करते हैं, परंतु अभी आपने देखा होगा कि कितना बड़ा कुंभ जितना बड़ा यहाँ का कुंभ भरता है ना उत्तराखंड का, इससे ज़्यादा पब्लिक अभी वहाँ, योगी जी हैं अपने उत्तर प्रदेश में, तो बसंत पंचमी का मैं खुद वहाँ था और त्रिवेणी संगम में स्नान किया और कितना दिव्य और भव्य हुआ था। तो हम इसमें किसी को दोषारोपण नहीं करते, परंतु इतना जरूर कहेंगे कि जो सुरक्षा और व्यवस्था जरूरी है, सुरक्षा व्यवस्था। आपने सुन लिया, हमारी दोनों मेहनतों से बात हुई है, एक ने साफ तौर पर कहा कि कोविड का टेस्ट जरूरी है, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उससे संतुष्ट नहीं है व्यास मुनि जी। दूसरी तरफ प्रेमदास जी जो यहाँ टाटा महतोली अखाड़े के संत हैं, यानी उसके जिम्मेदार हैं, वो भी साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से कुंभ में भीड़ आएगी उसके अनुरूप वो व्यवस्थाएं सरकार द्वारा नहीं की गई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।